हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और एकदम खुश होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ खुजली की समस्या कैसे दूर करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस सीज़न ही ऐसा चल रहा है कि दांत खाज खुजली किसी को भी हो जा रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वो बुज़ुर्ग लोग हों, सबको हो जा रही है। तो हम इजीली तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी साइड इफेक्ट के हम कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि गर्मी का सीज़न हो, चाहे ठंड का सीज़न हो, चाहे बारिश का सीज़न हो, दांत खाज खुजली से इतनी परेशान हो जाते हैं। बहुत लोग को जैसे कि मौसम का एलर्जी होता है, बहुत लोगों को कोई खान पान, कोई तेल क्रीम, कोई भी ऐसे चीज़ें जो कि उसका एलर्जी की वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो दांत खाज खुजली शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको इजीली तरीके से दूर करने के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं नींबू का रस और चमेली का तेल। बहुत ही बेस्ट नुस्खा है। दिन में अगर एक बार दो बार ही लगा लेते हैं तो आपका जो दांत खाज खुजली है ना, आपको उसमें फ़र्क देखने को मिलेगा। कि जो खुजाहट होती है बहुत लोगों को, तो ऐसे जैसे कि दांत होती है ना, दांत यानी दांत खाज जो खुजली कहीं कहीं हाथ पैरों में ऐसे निकल जाते हैं, जैसे कि उसको खुजाओ तो उसमें पस मवाद जैसे निकलते, जहाँ जहाँ तक वो फैलेगा वहाँ वहाँ तक वो दांत खाज खुजली फैल जाती है। तो हमें इस्तेमाल कैसे करना है, तो जैसे कि आप एक चम्मच ले लीजिए नींबू का रस और एक चम्मच ले लीजिए चमेली का तेल। दोनों को बराबर मात्रा में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक ही में मिला के, ठीक है। अब आपके हाथ पैर शरीर में बॉडी में किसी भी हिस्से पे, जैसे कि ये जो समस्या है दांत खाज खुजली की, आप उस पर अच्छे से लगा के मसाज कर लीजिए। चाहे छोटे बच्चे के हों, चाहे बड़े लोगों के हों, चाहे महिलाओं के हों, चाहे पुरुषों के, कोई बात नहीं। आप इस चीज़ को लगा के अच्छे से मसाज करिए, दिन में दो बार तीन बार जैसे आपको समय मिलता है, आप इस तेल को लगा के मसाज कर लीजिए। वहाँ पे खुजली भी नहीं होगा, अगर पस मवाज पानी जैसा निकलता है तो ये समस्या भी नहीं होगी, और ये आसानी से धीरे धीरे सूखने लगेगा, अंदर से सूखेगा, और आपकी जो समस्या ना आसानी से बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के दूर हो जाएगा। और ये बहुत ही बेस्ट, बहुत ही आसान नुस्खा है। आई होप कि छोटा सा टिप्स अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना एंड अपने फैमिली का ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।